अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स को वीडियो और चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो की टॉपिक CF-98 9mm पिस्टल के ऊपर है। नोरिंको मेड या चाइना मेड पिस्टल है। इसकी स्पेसिफिकेशन, इसकी मॉडल और तमाम ही मालूमात जो है ना, और इसकी प्राइस वगैरह आपके साथ शेयर करने वाला हूँ व्यूअर्स। लेकिन मज़ीद वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि टीनेज, कम उम्र और ना समझ लोग इन चीज़ों का शौक़ ना करें, हवाई फायर से इज्तनाब करें, यह एक नासूर है। व्यूअर्स, जब भी आप राइफल उठाते हो या पिस्टल, तो सबसे पहले इसका मैगजीन रिलीज़ करिए, आप देख लें। इसका मैगजीन हमने रिलीज़ किया और इसके बाद जो है ना इसकी चैम्बर चेक करिए, आप देख लें यह भी खाली है। इसके बाद जो है ना आप इसको चेक कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये जो आप पिस्टल देख रहे हैं, ये नोरिंको कंपनी की पिस्टल है, यानी चाइना मेड CF-98 या CF-98 मॉडल पिस्टल है। सेमी ऑटोमेटिक 9mm कैलिबर से ताल्लुक रखने वाली पिस्टल है। व्यूअर्स, इसमें दो किस्म के पिस्टल होते हैं CF-98 में। इसमें एक न्यू मॉडल है और एक ओल्ड मॉडल है। ये जो आप देख रहे हैं, ये इसके ग्रिप पर जो है ना ये स्टार आप लोगों को नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये न्यू मॉडल है। इसमें जो ओल्ड मॉडल होते हैं, इसमें जो है ना स्टार के जगह जो है ना इसकी नोरिंको कंपनी की लोगो होती है। इसकी जो बॉक्स है, इसके ऊपर भी ये लोगो होते हैं, लेकिन ये तो सेकंड हैंड है। ये दो किस्म के मॉडल होते हैं, इसमें न्यू मॉडल भी है और ओल्ड मॉडल भी है। ओल्ड मॉडल ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। व्यूअर्स, अगर इसकी मैगजीन की बात की जाए, सबसे पहले बात जो है ना मैगजीन से स्टार्ट करते हैं। इसमें तकरीबन इसका जो मैगजीन है, इसमें 15 राउंड आते हैं, यानी 15 शॉट मैगजीन इसमें होते हैं CF-98 में। अगर इसकी रेंज की बात की जाए व्यूअर्स, तो 50 मीटर जो है ना इसकी इफेक्टिव रेंज है, और इसकी मार जो है ना व्यूअर्स, या इसकी गोली बहुत दूर तक जाती है। और इसकी जो व्यूअर्स मजल वेलोसिटी स्पीड है, तो ये तकरीबन 1150 फीट पर सेकंड जो है ना व्यूअर्स इसकी स्पीड है। नोरिंको व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि चाइना की मशहूर कंपनी है जो मुख्तलिफ किस्म के हथियार डिज़ाइन करती है, तो ये भी नोरिंको कंपनी ने डिज़ाइन किया है व्यूअर्स, और ये पाकिस्तान में इम्पोर्ट होते हैं। सबसे पहले व्यूअर्स, इससे जो पहले मॉडल थी नोरिंको कंपनी की, वो ओल्ड मॉडल पिस्टल थी, जो इसमें जो है ना मैंने आपसे पहले कहा कि ये नोरिंको लोगो यहाँ होती है, वो भी इंपोर्ट पे आते थे और ये भी इंपोर्ट पे आते हैं। लेकिन इसकी जो प्राइस है आजकल, इसकी जो न्यू प्राइस है, यानी ये न्यू मॉडल की न्यू प्राइस जो है ना व्यूअर्स, ये तकरीबन 82,000 तक इसकी प्राइस है। जबकि ओल्ड मॉडल जो पिस्टल है नोरिंको कंपनी की, उसकी जो प्राइस है, ये तकरीबन 92,000 से लेकर 95,000 तक आजकल इसकी प्राइस है। पहले तो इसकी प्राइस भी तकरीबन व्यूअर्स 64,000-65,000 तक इसकी प्राइस था, लेकिन इंपोर्ट होने के बाद जो है ना अभी इसकी प्राइस में भी इजाफा हो चुका है व्यूअर्स। ये लीवर आप देख ले, इससे जो है ना इसकी इसी सिमली और डीसी सिमली भी होती है, और ये लीवर जो है ना, ये बोल्ट जो है ना, इसको भी स्टॉप करते हैं, यानी स्टॉपर का काम भी करते हैं। ये आप देख ले, ये तो इसका काम है व्यूअर्स। इसके बाद जो है ना, ये आप देख ले, ये इसका लॉक है, एमिडिस्टर लॉक है, यानी दोनों तरफ इसका लॉक है, बहुत सिक्योर लॉक है। कई पिस्टल ऐसे होते हैं, मशहूर मॉडल पिस्टल, जिसमें लॉक नहीं होते, लेकिन ये साइज जो है ना, लॉक का सिस्टम भी बहुत ज़बरदस्त है। इसकी अगर ट्रिगर की बात की जाए, तो सिंगल प्रेस और डबल प्रेस ट्रिगर है इसका व्यूअर्स, बहुत खूबसूरत है। इसकी ग्रिप की अगर बात की जाए व्यूअर्स, तो बहुत ज़बरदस्त और दानादार ग्रिप है। इसकी अगर साइज की बात की जाए, तो कॉम्पैक्ट साइज भी है व्यूअर्स। इसकी हेमर पे आते हैं, ये आप देख रहे हैं, वही ब्रिटा की तरफ जो है ना इसका हेमर है। इसके अलावा व्यूअर्स, इसकी ये साइट पे आते हैं, वही 3-डॉट साइट है। ये शूटर के लिए बहुत आसानी पैदा करते हैं दौरान शूटिंग। और व्यूअर्स, ये बहुत से लोग जो है ना होम डिफेंस और सेल्फ डिफेंस के लिए इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका प्राइस भी इतना ज़्यादा नहीं है। हर कोई जो है ना अपने होम डिफेंस और सेल्फ डिफेंस के लिए जो है ना व्यूअर्स बाय कर सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, इसके ऊपर भी ये चेकरिंग दी गई है, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। और इसकी जो बैरल है व्यूअर्स, ब्रीच रोटेटिंग बैरल है इसका, यानी ये दौरान फायर जो है ना ब्रीच होता है व्यूअर्स। इसकी बैरल जो है ना बहुत ज़बरदस्त है। इसकी कोरेसी भी व्यूअर्स बहुत ज़बरदस्त है। इसकी ग्रिप जो है ना, इसमें यहाँ भी चेकरिंग दी गई है, ताकि अगर इसको जो है ना दौरान शूटिंग इस तरह से आप इसको जो है ना हैंडल करते हो, तो इसके लिए भी व्यूअर्स यहाँ जो है ना, ये आप देख ले, इसमें भी चेकरिंग की गई है। ये बहुत ज़बरदस्त है। इसका साइज़, इसका
कॉम्पैक्ट साइज़, इसके कम प्राइस की वजह से जो है ना व्यूअर्स ये बहुत मशहूर है और पाकिस्तान में बहुत इंपोर्ट आती है इसकी। और आजकल जो है ना व्यूअर्स न्यू के साथ जो है ना एक मैगज़ीन होते हैं, दो मैगज़ीन होते हैं, एक इसके अंदर होता है और एक इसके साथ स्पेयर होता है जो है ना बॉक्स में, और एक जो है ना इसके साथ क्लीनिंग रॉड होते हैं फुल न्यू के साथ। ये तो सेकंड हैंड है व्यूअर्स। ये इसकी तो स्पेसिफिकेशन, इसकी जो बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि इस पर अगर 4000 से ज़्यादा राउंड फायर हो जाए तो ये बीच में क्रैक होता है और जो है ना इस टूट होने का इसका बहुत ज़्यादा चांसेस होता है, क्योंकि ये ज़्यादातर जो है ना व्यूअर्स टूट जाता है। इसकी डिसएडवांटेज व्यूअर्स ये है। अब देख लीजिए इसका मैगज़ीन कैच है, यहाँ से आप इसकी मैगज़ीन रिलीज़ कर सकते हैं। व्यूअर्स जिन दोस्तों के पास है वो इसकी सफाई और मेंटेनेंस का खास ख्याल रखें। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।